पहला फालतू काम जो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, फालतू का है बिल्कुल, वो काम है चाय पीना। सवेरे ही उठ के चाय सुड़कने लगते हैं। और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना टट्टी जाए चाय पीने लगते हैं। वो तो मुझे कहते हैं कि चाय पियो नहीं तो टट्टी भी नहीं उतरती, संडास नहीं जा सकते, इसलिए चाय पहले पीते हैं। उनको बेड टी चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए। और इसमें खर्चा कितना होता है, 1 किलो चाय 150 रुपए की है। हर साल भारत के लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते हैं। सोचो कितना पैसा खर्च करते हैं फालतू में। और ये फालतू इसलिए भी है कि चाय पी पी के अपना शरीर खराब होता है। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का, रोज चाय पीनी पड़ेगी। एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का। और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब। चाय से पेट खराब पता है कैसे होता है, चाय में कुछ केमिकल है, एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन, ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में। ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं, एसिडिटी। पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है। चाय पियो तो और ज्यादा बनता है। और पेट में जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में, घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदय घात होना, हार्ट अटैक होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना। खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है। तो क्यों फालतू में पीना, मत पियो। आदमी को छोड़कर कोई चाय नहीं पीता। मैंने बहुत बार कुत्ते को पिला के देखा, नहीं पीता। गाय को पिलाया, नहीं पीती। भैंस को पिलाया, वो भी नहीं पीती। कोई जानवर चाय नहीं पीता। पक्षी भी नहीं पीते, दूध पीते हैं, दही खा लेंगे, पानी पी लेंगे, चाय नहीं पीता कोई। ये मनुष्य मूर्ख है जो पीता रहता है। अकेला नहीं पीता, हर घर में आने वाले को पिलाता, तू भी पी। अपनी आंतें जलाते हैं, पेट जलाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती। जिनको भूख नहीं लगेगी, शरीर मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बीमारियां। इसलिए मत पियो। आप चाय छोड़ दो, सारा देश चाय छोड़ दे, 70,000 करोड़ रुपए देश के बचते हैं। Thank you.